Good morning guys. Today is 2nd September 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. So first article is regarding the Singur land. इसका context बता देता हूँ आपको थोड़ा. इसका context 3-4 साल पहले आपको याद होगा टाटा ने नैनो गाड़ी रिलीज की थी. नैनो गाड़ी रिलीज की थी तो उसका प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया था सिंगूर जो कि है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में. लेकिन वहां पर फार्मर से लैंड एक्वायर किया था एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी. उस टाइम पर एक बहुत बड़ी डिबेट भी चली थी फार्मर्स के इंटरेस्ट ऊपर है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड एक्वायर करना जरूरी है. तो ममता बनर्जी उस टाइम ऑपोजिशन में थी जो अब फिलहाल चीफ मिनिस्टर है. ममता बनर्जी ने इसका बहुत ज्यादा पुरजोर प्रोटेस्ट किया था और ये इश्यू बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था. यू कैन से दैट सी वन द 2011 इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट. क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपैथी मिली थी पीपल की और बहुत ज्यादा वोट्स कंसोलिडेट हुए थे. और उसके बाद में नैनो गाड़ी आपको याद होगा वहां से उठकर यानी वो प्रोजेक्ट वहां वेस्ट बंगाल में कैंसिल हो गया था और गुजरात में आनंद में वो प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया गया था. ये थोड़ा कंटेक्स्ट है. वो बात अलग है नैनो गाड़ी भी अब फेल हो चुकी है इतनी चलती नहीं है. अब इस आर्टिकल की तरफ आते हैं. वो जो गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया था अब उस पर केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये सही था ये गलत था. सही पब्लिक पर्पज के लिए ये एक्वायर किया गया था कि नहीं किया गया था. अब ये इस वर्डिक्ट के अनुसार जुडिशरी ने ये इस जो इस लैंड एक्वायर करने का जो फैसला था उसको रिवोक कर दिया पूर्णतया और कहा कि पब्लिक पर्पज नहीं था इसको एक्वायर करने में. दो जजेस की बेंच थी उनमें से एक जज ने बोला देयर वॉज नो पब्लिक पर्पज बिहाइंड इट एंड इट वॉज डन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द टाटा टाटा के प्रॉफिट के लिए किया गया था. और सेकंड जो जज थे उन्होंने ये कहा अल्दो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से फायदा तो होता है ये पब्लिक पर्पज के लिए किया जाता है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा आता है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत सहयोगी है ऐसे प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करना. लेकिन फिलहाल इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में पब्लिक पर्पज को तवज्जो नहीं दी गई. कैसे तवज्जो नहीं दी गई? क्योंकि देखिए स्टेट कैबिनेट ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दी थी. यानी अभी जो लैंड एक्वायर किया ही नहीं था नोटिफिकेशन आई नहीं थी तो पहले ही स्टेट कैबिनेट ने ऑर्डर दे दिए थे कि लैंड एक्वायर कर लो. तो कहे का मतलब कोई प्रॉपर प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया है. प्रोसीजर तो ये होता ना पहले आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं न्यूज़पेपर्स में और इन जो फार्मर्स थे उनके अनुसार कितना कुछ एक प्रॉपर सर्वे होता फिर कैबिनेट अपनी अप्रूवल देता. लेकिन हुआ उल्टा यहाँ पर यानी प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है. अब इसमें वर्डिक्ट में ये भी कहा गया है फार्मर्स को कि आप कंपनसेशन रख लीजिए यानी इस लैंड को एक्वायर करने के बाद में जो कंपनसेशन फार्मर्स को दी गई थी उसको वापस करने की जरूरत फार्मर्स को अब नहीं है. इवन अभी तक जिन फार्मर्स को कंपनसेशन नहीं मिली है वो भी डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें कंपनसेशन दीजिए. इस वर्डिक्ट में कोई एक ऐसा नया लॉ तो या नया कानून तो जुडिशरी ने नहीं बनाया है बस उसे क्लैरिफाई किया है. क्योंकि ये जो डिबेट थी ये जो लैंड को एक्वायर करने की डिबेट थी सिंगूर में मेनली ये एकेडमिक डिबेट थी. इसमें कोई मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं था और कोई भी एक इम्पोर्टेंट कानून को क्लैरिफाई करने का क्वेश्चन भी इसमें नहीं था. ये एक एकेडमिक डिबेट थी इसीलिए कुछ नया कानून इस वर्डिक्ट में नहीं आया. देखिए जब ये लैंड एक्वायर किया गया था 1894 जो उस टाइम पर 2011 में तब कौन सा लॉ एक्विजिशन एक्ट था हमारा तब लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो एक्ट 1894. उसके बाद तो आपको याद होगा पिछले साल एक अमेंडमेंट करके लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी अब चेंज कर दिया गया है. अब जो है अब एक्विजिशन में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है और फेयर कंपनसेशन एंड रीसेटलमेंट जो कि एक स्टिचरी एक्ट है. अब जिसका लैंड एक्वायर करना होता है उसको एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और इवन कंसेंट का भी प्रोविजन इसमें है. इसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. और अब इसमें कैटेगरीज भी हैं जो पब्लिक पर्पज के अंदर आएंगी यानी देर आर वेरियस कैटेगरीज अंडर विच वी कैन एक्वायर द लैंड फॉर द पब्लिक पर्पज. और अब देखिए अब इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों डिवाइडेड हैं इन कैटेगरीज में कौन सा पब्लिक सेक्टर के लिए एक्वायर किया जा सकता है कौन सा पब्लिक पर्पज के अंदर कौन सा प्राइवेट पर्पज के अंदर. ये बात चल रही है हमारी अब नए एक्ट के अंदर यानी राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. ये 2013 में आया था. अब इसमें कंसेंट का भी प्रोविजन था आपको याद होगा 80% 70% फॉर द रूरल एंड अर्बन पीपल. अब एक दूसरा व्यू यहां से ये निकल के आता है जो ये जुडिशरी का ये वर्डिक्ट है ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको डेटर करेगा. कल को कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री वाला
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं किसी ऐसी जगह पर जाके, पश्चिम बंगाल जैसी जगह पर जाके कौन करेगा? उनको पता है कि इश्यू क्रिएट हो जाएगा कुछ ऐसा, तो वही बात आएगी गुजरात में सारे करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा देश में अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होएगी। फिर और रीजन्स जैसे अब फिलहाल जैसे अब छत्तीसगढ़ झारखंड जैसा कोई एरिया है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाता ही नहीं है, इंडस्ट्री लगाता नहीं है तो डेवलपमेंट यहाँ आती नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ आती नहीं है तो नक्सलिज्म फैलता है। तो यही बात है, दिस इश्यू में डेटर द पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन टू इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक तो फिर भी कर लेगी, प्राइवेट मेनली शर्माएंगे। तो लेसन क्या मिलता है इस चीज से, इस पूरे वर्डिक्ट से? लेसन ये मिलता है कि बिना सोचे समझे कभी भी हमें ऐसे आर्बिट्ररी लैंड एक्वायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड ऑल्सो इट डिप्राइव्स द फार्मर्स देयर लैंड्स एंड लाइवलीहुड। सो रियल इंटरेस्ट मस्ट बी देयर इंटरेस्ट एंड नॉट द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेन तवज्जो दी जानी चाहिए वो फार्मर्स के इंटरेस्ट को देनी चाहिए, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को। दूसरा आर्टिकल है ब्राजील का, ऑल्दो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंटरनल डायनामिक्स ऑफ ब्राजील, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि जो ब्राजील है ब्रिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कल को ब्रिक्स पे क्वेश्चन आता है, या फिर एक ब्राजील एक डेवलपिंग कंट्री भी है, ब्राजील हमारे साथ एक परमानेंट सीट की भी मांग कर रहा है यूएन में, तो इसलिए ब्राजील कई दृष्टिकोण से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ब्राजील में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। देखिए ये आर्टिकल तो है वैसे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटरनल डायनामिक्स है इसमें और पॉलिटिक्स का यानी उसके लीडर्स का काफ़ी यूज किया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यूँ बता देता हूँ कि वहाँ चल क्या रहा है। ब्राज़ील में एक्चुअली अभी फिलहाल क्राइसिस चल रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो आपको थोड़ा यूँ बता देता हूँ कि वो वहाँ पे आए क्यों, इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों चल रहे हैं वहाँ पे। देखिए वहाँ पे ना ब्राज़ील में लेफ्ट गवर्नमेंट है, और लेफ्ट गवर्नमेंट की टेंडेंसी ये होती है कि वो जनता के वेलफेयर पे और सोशलाइजेशन पे, इन चीज़ों पे सब ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट यू कैन से दैट। और अब देखिए क्राइसिस इसलिए आए वहाँ पे, बोले वहाँ पे लेफ्ट गवर्नमेंट है तो ज़्यादा खर्चा करती है पीपल पे और ज़्यादा सब्सिडी देती है। उन्होंने गवर्नमेंट ने लोन लिया बहुत ज़्यादा, जो उसके गवर्नमेंट ओन बैंक्स हैं इनसे, लेकिन वो लोन टाइम पर वापस नहीं दे सके। अब क्या है, अब लोन को वापस देने के लिए भी अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है तो एक ये विशेष साइकिल में फंसते जा रहे हो, आप एक ट्रैप में फंसते जा रहे हो। लाइक पहले वाले लोन के लिए चुकाने के लिए, उसकी पेमेंट को, रीपेमेंट को और इंस्टॉलमेंट को चुकाने के लिए आपको एक नया लोन लेना पड़ रहा है, तो बस समझ लो आप फंस चुके हैं। थोड़े टाइम तक तो ऐसा चलता रहा चलता रहा, उसके बाद में ये लोन एक्सप्लोड हो गया, लोन एक्सप्लोजन हो गया। तो एक लेवल के बाद में 58 बिलियन लोन, यू कैन से दैट इट वाज एक्युमुलेटेड देयर। और मार्केट में इतना ज्यादा पैसा इस गवर्नमेंट ने ले आया, लोन मार्केट जैसे बैंक से लोन लिया, मार्केट में पैसा दे दिया, लोन लिया मार्केट में पैसा उतार दिया, तो लोगों के पास भी इतना ज्यादा पैसा हो गया। लोगों के पास ज्यादा पैसा, आपने इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई। अब देखिए कैसे कैसे क्राइसिस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई बहुत ज्यादा, सेंट्रल बैंक की एफिशिएंसी बढ़ गई, यानी वो अच्छे से अपनी ट्रांसमिशन, जो मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन है अच्छे से पहुंचाने के नीचे तक। और उन्होंने वो लोन लिया एक लेवल के बाद में, वो लोन उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं किया। कैसे, जैसे उन्होंने बिग बिजनेसिस को ज्यादा सब्सिडाइज कर दिया, तो मार्केट डिस्टोर्ट हो गई, यानी बिग बिजनेसेस तो ऑलरेडी बिग हैं, उनको आप सब्सिडाइज कर रहे हो, तो एक लेवल के बाद उनकी मोनोपोली आ जाएगी, मोनोपोली जाएगी तो मार्केट फोर्सेस कहां रहेगी, मार्केट पूरी की पूरी डिस्टोर्ट हो जाएगी। अब ये तो क्रक्स है, क्रक्स इस चीज का यही है कि इस वजह से क्राइसिस बढ़ते ही बढ़ते गए और एक जबरदस्त यू कैन सी दैट रिसेशन आ गया ब्राजील में, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा श्रिंक कर चुकी है। अब यू कैन सी दैट जो ये फिस्कल क्राइसिस है, इस वजह से उनकी फिस्कल क्राइसिस बढ़ता गया और यही मेन रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस का। और इसी वजह से आए गवर्नमेंट में क्राइसिस। अब गवर्नमेंट में क्राइसिस कैसे आए, अब जो इसके डिल्मा रूसेफ है, 13 साल तक ये प्रेसिडेंट थी और अब इन्हें इम्पीच कर दिया गया है, इसीलिए ये आर्टिकल है यहाँ पर द हिंदू में। अब इन पर आरोप क्या है, इन पर आरोप है कि जब वो लोन लेते थे तो वो जो बुक बाइंडिंग यू कैन से दैट जो आंकड़े हैं, अकाउंट्स हैं, उनको गलत दिखाया गया, इन्होंने उनको कम ज्यादा लोन दिखाया गया, जो भी किया गया मतलब एक गलत पिक्चर पेश की गई, और आसान और सही ढंग से उस गलत पिक्चर के पेश करने से ये केस सही सामने निकल के नहीं आया और बाद में ये एक्सप्लोजन हो गया। तो इस तरह का चार्ज उन पे था, ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इंटीग्रिटी कह सकते हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, और इवन वहां तो इसे आप इलीगल भी कह सकते हैं ब्राजील में, क्योंकि वहां का एक कानून है। अब है ये सिर्फ इन पर नहीं है, बहुत सारे उनकी पार्टी के और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस भी हैं,
और अपोजिशन पार्टी काफी सालों बाद सत्ता में आई, इवन उन पे भी करप्शन के चार्जेस है, यानी पॉलिटिकल क्राइसिस है बहुत ज्यादा, यानी पॉलिटिशियंस के खिलाफ में जनता का जो है बहुत ज्यादा अनपॉपुलर और बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है, गुस्सा बहुत ज्यादा है उनके पॉलिटिशियंस के खिलाफ में। वहां अभी रियो ओलंपिक्स हुए थे, रियो ओलंपिक्स में वहां के प्रेसिडेंट ने संबोधित किया तो इवन द पीपल बूट देयर प्रेसिडेंट देयर, वहां पे नारे लगाने लगे उनके खिलाफ में, इतना ज्यादा गुस्सा है पॉलिटिशियंस के खिलाफ में। तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गए हैं 13 साल बाद। काफी पॉपुलर लीडर थी ये डिल्मा रूसफ, मतलब 3-4 साल पहले आज तक जो इसके इनके बारे में पढ़ते थे तो काफी इनकी तारीफ सुनने को मिलती थी। इवन द हिंदू यूज टू प्रेज हरसेल्फ, द हिंदू का जो एडिटोरियल जिसमें अब ये पढ़ रहे हैं ना, ये काफी बार डिल्मा रूसफ को हमेशा प्रेज करता था। अब देखिए उनको इम्पीच कर दिया गया। अब अगला जो आर्टिकल है हमारा, वो आर्टिकल है जो स्टैंड ऑफ चल रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। कंटेक्स्ट आपको पता ही होगा, फिर भी एक लाइन में बता देता हूँ। अभी फिलहाल अपॉइंटमेंट के मुद्दे पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक स्टैंड ऑफ क्रिएट हुआ है, और इसीलिए जो हमारी वैकेंसीज हैं वो नहीं फिल हो पा रही हैं। और पिछले दिनों जो हमारे TS ठाकुर है, चीफ जस्टिस है, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, धमकी दी थी, यू कैन से दैट अगर एग्जीक्यूटिव अगर फिल नहीं करती है तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये कंटेक्स्ट था। अब आते हैं इस आर्टिकल की तरफ, इसके कहना क्या चाह रहे हैं इस आर्टिकल में। अच्छा आर्टिकल है वैसे ये। देखिए जुडिशरी को जो फिल करने की जो इसके वैकेंसीज है उसको फिल करने की जो हमारी प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो है, यू कैन से दैट पेनफुल स्लो, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत देर से इसको फिल करते हैं और इसका सीधा सीधा असर जो इसकी एक्सपीडेंसी है केसेस को सोल्व करने की उस पर पड़ता है। थोड़े फिगर्स के साथ, यानी सब्सटेंस के साथ डिस्कस करते हैं। 31 दिसंबर 2015 तक 51.2% केसेस ऐसे पेंडिंग थे जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं, जो कि सिर्फ 2 साल से पेंडिंग है, और 7.5% केसेस 10 साल से लटके पड़े हैं। ये तो है नीचे वाली जुडिशरी। और जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें 68% ऐसे हैं जो 2 साल से लटके पड़े हैं, और बाकी जो है 10 साल से लटके पड़े हैं उनकी संख्या है 19.22%। अब जुडिशरी जो में अपॉइंटमेंट में जो डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए वैसे तो बहुत कारणों से हो रहा है, लेकिन जो इमीडिएट रीजंस हैं वो 2 रीजंस हैं। एक तो है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, उन पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है किनके बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अभी तक क्या करता है कोलिजियम यानी सीनियर चीफ जस्टिस प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके, ये कोलिजियम होता है 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस में चीफ जस्टिस, ये मिलके अपॉइंट करते हैं और ट्रांसफर भी यही करते हैं जजेस को। अब 2014 में गवर्नमेंट ने एक बिल लाया जिसे कहते हैं NJAC, उसमें गवर्नमेंट ने एक 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 6 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे और जिसमें से 3 जजेस होंगे, 2 इमिनेंट पर्सन्स, 1 लॉ मिनिस्टर, ये अपॉइंट करेंगे जजेस और ये ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन फिर लास्ट ईयर 2015 में इस पर केस चला और गवर्नमेंट जुडिशरी ने इसको निरस्त कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। उन्होंने कहा इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, ओनली वी कैन अपॉइंट जजेस, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये वर्डिक्ट देते समय कहा, उन्होंने माना कि कोलिजन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, उन्होंने कहा कि आप सजेस्ट कीजिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाइए कि कैसे इन खामियों को हम दूर कर सकते हैं। अभी उसी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर विवाद चल रहा है। उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत हमारे एग्जीक्यूटिव ने यानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सजेशंस दिए जो जुडिशरी को अभी पसंद नहीं आ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है और कोलिजियम सिस्टम ने जो फाइल्स भेजी अब जजेस अपॉइंटमेंट की, अब उसे गवर्नमेंट ना तो रिजेक्ट कर रही है ना एक्सेप्ट कर रही है, यानी उनको क्लियर ही नहीं कर रही है, अपने पास से रख रखा है। गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव ये चाहते हैं कि जब तक ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे क्लैरिटी नहीं आती है तब तक आप जजेस नहीं अपॉइंट कीजिए, यानी अब जजेस तभी अपॉइंट होंगे जब नए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया इसका कंटेक्स्ट। अब एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर एग्रीमेंट नहीं है, इस वजह से डिले हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट ने वो भी मैंने आपको बता दिया, फाइल्स ना तो क्लियर की है ना रिजेक्ट की है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल के अनुसार कैसी स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में 2 वैकेंसीज खाली हैं 31 में से, और हाई कोर्ट में 432 वैकेंसीज खाली हैं 1065 में से, यानी यू कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट में 6.45% वैकेंसीज खाली हैं और हाई कोर्ट में 40.5%। अब देखिए, देखने को तो यूं लगता है सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रेव है यहां पर,
लेकिन 2012 की कंसीडर कर लेते हैं हम, तब तो उस टाइम पे कोई भी बात था नहीं, तब तो सब कुछ मतलब ठीक ठाक स्मूथ चल रहा था, कोलिजियम यूज्ड टू अपॉइंट जजेस। सो लेट्स सी द डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे 4 वैकेंसीज खाली थी 31 जजेस में से, तो ये हुई 12.3%। और हाई कोर्ट में उस टाइम पर 281 वैकेंसीज खाली थी 895 में से, और ये हुई 31.3%। तो अब आपने दोनों आंकड़े देखे, आपको कुछ डिफरेंस मिला? इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है 2012 की सिचुएशन में और आज की 2016 की सिचुएशन में। तो जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि जुडिशरी की जो वैकेंसीज खाली हैं उसी वजह से सारा का सारा डिले हो रहा है केसेस को सोल्व करने में, तो साफ साफ ये कहना गलत होगा। यानी जो केसेस को सोल्व करने में या फिर पेंडेंसी है उनको सोल्व करने में सिर्फ एक ये रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। यानी वैकेंसीज आर डेफिनेटली द रीजन्स, बट दे आर नॉट द ओनली रीजन्स फॉर द पेंडेंसी इन द हाई कोर्ट्स एंड द अदर कोर्ट्स। तो अब देखिए, अगर हम सारी वैकेंसीज फिल कर दें तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे केस सोल्व हो जाएंगे जल्दी से? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि और भी रीजन्स हैं इसके लिए। अब ये सिर्फ एक रीजन ये नहीं है कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं भर सकती। अब ये एक बड़ा रीजन ये है, जो हाई क्वालिटी और इंटीग्रिटी के लोग हैं वो जज बनना ही नहीं चाहते। एक सबसे बड़ा रीजन है जो कि बार बार लोग लिखते नहीं है आर्टिकल्स में, लेकिन ये सच्चाई है। आप देखिए एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, राम जेठमलानी जैसे लोग हैं। राम जेठमलानी इतने बड़े वकील हैं, सोली सुराब जी, फाली नरीमन, इतने बड़े बड़े लोग हैं। ये एक एक हीरिंग के लेते हैं 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए एक हीरिंग के। और अब ऐसे लोग जजेस बनने के लिए क्यों आगे आएंगे? वहां मिलते हैं 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा, और पेंशन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और एक काफी रिस्पेक्ट का काम है, लेकिन हर एक लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। तो ये इसीलिए जो फैसिलिटीज वगैरह हैं या फिर वो हैं, तो एक हाई इंटीग्रिटी और क्वालिटी के लोग आना ही नहीं चाहते आगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब कोलिजियम सिस्टम अपॉइंट करता है जजेस को, और कैसे अपॉइंट करता है, देखिए इसमें कितनी खामी है, दो एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझते हैं। सिर्फ उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट, मतलब सिर्फ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के लिए, यानी प्रमोशन के लिए, अगर थोड़ी सी भी आपकी जान पहचान है कोलिजियम सिस्टम से, थोड़ा सा भी, अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी अनस्पोकन ऑब्लिगेशन है, तो उनको उनकी अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और देखिए, जब जजेस और कोलिजियम सिस्टम है वो कंसिडर कर रहे होते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, अगर थोड़ी भी किसी जज के खिलाफ में अफवाह फैला दी जाए तो बिल्कुल उनके चांसेस डैम्पन हो जाएंगे। यानी कोई प्रॉपर क्राइटेरिया है ही नहीं, दे नेवर कंसीडर, दे नेवर इन्वेस्टिगेट वेदर द रूमर वाज करेक्ट और नॉट, बस उनके चांसेस डैम्पन हो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा खामियां हैं इस कोलिजियम सिस्टम में। अब डिले को केसेस सोल्व करने में वैकेंसी तो ठीक होगी, यानी यू कैन सी दैट अगर वैकेंसी सारी की सारी फिल कर दी जाए तो डेफिनेटली डिले तो कम होगा ही होगा, लेकिन ये रामबाण इलाज नहीं है बिल्कुल। सिर्फ वैकेंसीज ठीक करने से ऐसा नहीं है कि सारे की सारी प्रॉब्लम जो पेंडेंसी के ठीक हो जाएंगी, मतलब एक ही बात बार बार निकल कर आ रही है। जो डिले हो रहा है वो मल्टीफेस्ड प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है? ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, कोर्ट टू कोर्ट वेरी करती है, मतलब सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। लेट्स डिस्कस दोज कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो काफी बार इनकंसिस्टेंट और अनक्लियर होती हैं। यानी जो जजेस वर्डिक्ट लिखते हैं इतनी ज्यादा क्लैरिटी उनमें नहीं होती है, तो वो एम्बिगुअस होते हैं, तो क्या करते हैं, और अपील्स आती हैं उन पे, क्लैरिफिकेशन के लिए अपील्स आती हैं, अपील पे अपील, उस पे और अपील, तो इसलिए अपील बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चाहिए कि जो जब वो अपना वर्डिक्ट दें काफी क्लैरिटी के साथ में दें, ताकि उन पे कुछ बाद में संदेह या फिर ऑब्जेक्शन की संभावना ही ना हो। अब उसके बाद में क्या होता है, जो एक टाइमलाइन है वो बहुत कम फॉलो की जाती है। पिछले साल कमर्शियल कोर्ट बनाई गई, उसमें जो टाइमलाइन फॉलो की गई, क्यों नहीं ये टाइमलाइन फॉलो की जाती है हमारी ये कोड ऑफ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर 1908 में, इनमें भी तो अगर फॉलो की जाए टाइमलाइन तो कितने अच्छे से हम केसेस को सोल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा ADR जो मैकेनिज्म है वो जल्दी से केसेस को सोल्व करने में बहुत ज्यादा सहायक साबित हो सकता है, लेकिन इसमें भी इसको भी अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता। द रीजन इज जुडिशरी इंटरफेयर्स इन टू डेट। ये एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, जुडिशरी को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जुडिशरी इंटरफेयर करती है इसके अंदर, तो ये भी इफेक्टिव नहीं है।
और इतने सारे केसेस हैं अपील वाले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मेनली काम था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मेनली मतलब देखिए वैसे तो बहुत सारे काम थे लेकिन मेनली जब मकसद था हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, जब सुप्रीम कोर्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट लॉ के मैटर्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान देगी। लेकिन होता क्या है आजकल हाई कोर्ट से ज्यादा केसेस अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है पेंडेंसी का सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट वैसे आप इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, पीआईएल वगैरह, देखिए बहुत सारे रीजंस हैं डिले के, मैं सिर्फ अभी फिलहाल आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, और भी इसके रीजंस काफी ज्यादा है अगर आर्टिकल से हट के जाएं तो हम। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक्टिविज्म इतना ज्यादा है, पीआईएल है और बहुत सारे बेकार के केसेस सुप्रीम कोर्ट ध्यान देता है, और जैसे अब आईपीएल जैसे मैटर है, मतलब ठीक एक्टिविज्म एक लेवल तक अच्छा भी है, वी कैन डिस्कस दोज इन द पेपर टू। लेकिन उसमें फिर आप बोलने लोगों के स्लाइड्स की जरूरत है, स्लाइड्स बनाने का टाइम भी है नहीं, वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स बट देयर इज नो टाइम फॉर मेकिंग द स्लाइड्स, इट विल बी काइंड ऑफ ऑडियो लेक्चर्स। ठीक है, अब इस आर्टिकल को पूरा कर लेते हैं। पावर स्ट्रगल चल रहा है दोनों के बीच में अभी फिलहाल, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, जीत किसकी होगी ऐसा नहीं है कि ये पावर स्ट्रगल अभी से चल रही है, पावर स्ट्रगल बहुत पुराना है। इवन आप ये देख लीजिए 1998 की बात है जब एमएम पुंछी थे, वो तब भी इस तरह का स्टैंड ऑफ था जुडिशरी अपॉइंटमेंट के कारण, और तब भी 6 महीने तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। और 1998 में भी एक ऐसी, यू कैन से दैट 1998 की तरह जो फिलहाल की जजमेंट थी 2015 में, यानी एनजेसी एक्ट को निरस्त किया गया था, इनवैलिडेट को किया गया था, ये एक रीजेंट जजमेंट पर बेस्ड नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशनल सब्सटेंस कम था इसमें, जुडिशियरी के सेल्फ बिलीफ ज्यादा था, मतलब हम ही अपने आप को अपॉइंट करेंगे, उन्होंने कुछ ऐसा रीजन नहीं दिया क्यों करेंगे और कैसे क्या प्रोसीजर होना चाहिए। देखिए जुडिशियरी भी सही बताऊं तो कई बार बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी से काम नहीं करती है, और ऐसा नहीं है कि जुडिशरी सब कुछ है, आम जनता को भी लगता है जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब जजेस खुद को ही अपॉइंट करेंगे बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, तो देखिए कितना गलत है। ये बातें पब्लिक डोमेन में आती नहीं है, इवन मीडिया डजंट क्रिटिसाइज दिस, उनको लगता है कि कंटेम्प्ट हो जाएगा, कभी भी मीडिया जुडिशरी के इतने खिलाफ बोलता नहीं है, मीडिया को आवाज उठानी चाहिए। अब देखो जी, जुडिशरी ने पिछले साल एनजेईसी को रिजेक्ट तो कर दिया लेकिन कुछ भी रीजंस दिए, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ बताना चाहिए था, या तो वो एनजेईसी को कुछ सेफ गार्ड्स के साथ पारित कर देते, उनको कहता कि ठीक है आपका एनजेईसी एक्ट में खामियां हैं, हम कुछ इसमें सेफ गार्ड्स लगाते हैं और ये इसी से अब आगे के जजेस की नियुक्ति होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा, या फिर उन्होंने कुछ अलग से अपना सिस्टम बनाते, वो अलग से कोलिजियम सिस्टम रिफॉर्म करते, उन्होंने ये भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को कहा कि आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाइए और हमारे पास चेंज लेके आइए। तो यानी कोलिजियम सिस्टम का रोल सिर्फ इतना था, या तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पेश किया जाना था या तो उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। अभी भी वो कुछ रिफॉर्म या कुछ प्रपोजल्स नहीं दे रहे हैं, उन्हें खुद जुडिशरी को भी खुद आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट की और एग्जीक्यूटिव की तो गलती होती है लेकिन जुडिशरी को भी तो आगे आना चाहिए, उन्हें भी तो अपने हिसाब से कुछ प्रपोजल देने चाहिए भाई क्या क्या हम कर सकते हैं, देर आर ऑल्सो नॉट टेकिंग इनिशिएटिव। अब इस रिटोरिक को छोड़ के रियल रीजंस पे आते हैं। रियल रीजंस क्या है जो जिसपे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर विवाद है, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर विवाद है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में एक्चुअली विवाद क्या है? पहला जो इसमें कारण है वो स्क्रीनिंग कमेटी का। स्क्रीनिंग कमेटी, गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें जजेस को स्क्रीन आउट करें और बाद में ठीक है अपॉइंट आप ही कीजिए, लेकिन ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी बहुत सारे जजेस की, आप उनमें से अपॉइंट कीजिए, कम से कम आप तो किसी भी बंदे को कहीं से भी उठा के अपॉइंट कर देते हैं, एटलीस्ट ये स्क्रीनिंग कमेटी एक क्राइटेरिया के बेस पे आपको नाम सजेस्ट करेगी और आप उसी के बेस पे कीजिए। तो उस स्क्रीनिंग कमेटी में बंदे होंगे कौन? उनमें बंदे होंगे एमिनेंट जो हमारे ज्यूरिस्ट पर्सन्स हैं और इसके अलावा रिटायर्ड जजेस हैं। काफी अच्छा गवर्नमेंट का प्रपोजल ये था। और दूसरा गवर्नमेंट का प्रपोजल था नेशनल सिक्योरिटी वीटो पे। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर किसी नेशनल सिक्योरिटी के बेस पे किसी भी जज की नियुक्ति पर हम फाइनल वीटो हमारा होगा, अगर यानी किसी को भी जज को अपॉइंट करते समय अगर नेशनल सिक्योरिटी आड़े आती है तो उस पर फाइनल वर्ड हमारे होंगे। तो देखिए अब दोनों को डिस्कस करते हैं। जो पहला सजेशन था स्क्रीनिंग कमेटी का, उस पर तो कोई आपत्ति जुडिशरी को होनी ही नहीं चाहिए, वो तो इट वॉज ए काइंड ऑफ गुड सजेशन गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव। और जो दूसरी है जो नेशनल सिक्योरिटी वीटो की बात है, वो तो बहुत ही गलत बात है,
क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में तो सब कुछ आ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो यू कैन से दैट द वर्ड्स एंड हियर, उसके बाद तो कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता। और नेशनल सिक्योरिटी में तो मतलब एक काफी इमोशनल इश्यू यू कैन से दैट, और इसलिए ये नहीं होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के, तो नहीं होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी की जगह आप ये कह सकते हो कि ये हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर ऐसे कुछ मुद्दे दे जिन पर रिजेक्ट तो नहीं, लेकिन ऐसे मुद्दे दे जिन पर वो अपनी आपत्ति जाहिर करे कुछ मुद्दों पर, तो जुडिशरी उनको कंसिडर करेगी। अगर वो मुद्दे गवर्नमेंट ने जिन्हें उठाए हैं वो यू कैन सी दैट दे आर बेस्ड ऑन द लॉजिक्स और गुड आर्ग्यूमेंट्स, इससे एक हेल्थी कन्वेंशन इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ऐसा ही कर सकते थे। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब आपत्ति चल रही है। अब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एटलीस्ट गवर्नमेंट ने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट का रोल मैंने आपको बताया कि सिर्फ कोलिजियम सिस्टम का इतना था, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, लेकिन वो तो कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ बिल्कुल आर या पार की लड़ाई खेल रहे हैं, यानी पावर स्ट्रगल ही चल रहा है। यू कंसीडर ऐसा चल क्यों रहे हैं, क्योंकि एक सीक्रेसी और हॉस्टिलिटी है दोनों के बीच में, मतलब जनता को पता ही नहीं है और मीडिया को पता ही नहीं है अंदर क्या चल रहा है। आप हमें ही देख लीजिए, हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी की बात तो पहले एक आर्टिकल में आई थी, ये स्क्रीनिंग कमेटी की बात तो मैंने तो आज पढ़ी, मुझे नहीं पता आपने पहले पढ़ी होगी। तो मतलब एक इतना बड़ा विवाद चल रहा है पब्लिक डोमेन में, बहुत कम कुछ निकल कर आ रहा है, एक बहुत बड़ी सीक्रेसी है, तो इसलिए पता ही नहीं चल पा रहा है कौन गलत है कौन सही है। तो ये तो होना ये चाहिए, जो आगे की ये सारी चीजें हैं तो ये पब्लिक डोमेन में मेमोरेंडम प्रोसीजर में जो कोरेस्पोंडेंस चल रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये पब्लिक डोमेन में जाहिर कर देना चाहिए। इससे हमें और सिविल सोसाइटी, मीडिया और कम से कम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको तो पता लगेगा कौन गलत है कौन सही है। इससे ये होगा दोनों पे प्रेशर पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव पे भी प्रेशर बढ़ेगा और जुडिशरी पे भी प्रेशर बढ़ेगा। जुडिशरी की अगर इमेज खराब हुई तो उन्हें भी पता है इमेज खराब हुई तो बहुत बड़ा लॉस होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये केस अपने आप पे सॉल्यूशन की तरफ अग्रसर होगा। अब दूसरा ये देख लीजिए, दूसरा सिर्फ ऑफ मेमोरेंडम प्रोसीजर छोड़िए, सिविल सोसाइटी ने पहले भी इतने सारे सजेशंस दिए हैं, आज तक कुछ हुआ उन पर? आज तक वो सजेशंस जो धूल ही, यू कैन से दैट दोस फाइल्स आर नॉट प्रोसीडिंग, और धूल चढ़ गई उन फाइल्स पर। कौन कौन से प्रोसीजर हैं ये आप डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। अब कुछ ऐसा स्टैंड ऑफ पे क्वेश्चन आता है मेंस में, तो ये चार पांच सॉल्यूशंस हैं जो सिविल सोसाइटी के द्वारा दिए गए हैं, ये हम अपने सॉल्यूशंस में लिख सकते हैं, रिकमेंडेशन में लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस हैं, पहला सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंटली आउटलाइनिंग ए जोन ऑफ कंसिडरेशन, और सेकेंड है एक जो नॉमिनेशन और इंटरव्यू कैंडिडेट्स है उनके लिए एक प्रोसेस बनाई जाए कैसे उनको नॉमिनेट करना है, कैसे उनको इंटरव्यू करना है। तीसरा उनके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। चौथा और जो सीनियरिटी के बेस पे करते हैं हम उस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, सीनियर जो अपने अपॉइंटमेंट करते हैं सीनियरिटी के बेस पे उन पर एक क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। और पांचवी है एक एनुअल रिपोर्ट आनी चाहिए पूरे साल की, उनमें ये सब होना चाहिए कि किन लोगों को अपॉइंट किया गया, किन को रिजेक्ट किया गया, किन को इंटरव्यू कर दिया गया, ये सारी चीजें उस एनुअल रिपोर्ट में होनी चाहिए। लास्ट में बहुत ही अच्छे ढंग से कंक्लूड किया गया, लास्ट लाइन, इस लाइन को हम ऐसे में यूज कर सकते हैं, यानी जो ये पावर स्ट्रगल चल रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, इसमें कोई भी जीते कोई भी हारे दोनों में से, लेकिन हार तो जनता की ही है, क्योंकि जस्टिस डिले हो रहा है और जो पीपल का काज है सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है पीपल का। तो मतलब काफी अच्छा है, ये ऐसे में यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी लाइंस। अगली जो आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है हमारा, वो है इर्मुला, जो हमारी आर्यन लेडी है ये मणिपुर में, इन्होंने अपना प्रोटेस्ट एंड किया था। पिछले 16 साल तक इन्होंने अपना प्रोटेस्ट रखा, इरोम शर्मिला, और 16 साल बाद इन्होंने अपना जो ये प्रोटेस्ट था वो एंड किया। किसके खिलाफ था इनका प्रोटेस्ट? ओस्पा के खिलाफ में, ओस्पा यानी मिलिट्री रूल देयर। अब ये यू कैन सी दैट इसका इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं काफी पवित्र प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। इवन गांधी जी ने उस टाइम पर यू कैन सी दैट पीसफुली प्रोटेस्ट किया था जब उनका हमारा इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम चल रहा था, और तब हमारा इंडिया एज ए नेशन का आइडिया शेप ले रहा था। लेकिन वो प्रोटेस्ट था उनका ब्रिटिश अथॉरिटीज के खिलाफ में, ये प्रोटेस्ट है इंडिया के खिलाफ में, तो दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तरीका अच्छा है, मेथड अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब आर्टिकल की बात है। अब रिजल्ट है, रिजल्ट क्या हुआ इस हार्डशिप्स, इसका हार्डशिप्स का, और इतना ज्यादा उन्होंने दुख झेले 16 साल तक, इतने लंबे समय तक, तो ना तो इसको इंडियन स्टेट ने एक लेवल के बाद एक्नोलेज किया और ना ही नेशनल पीपल ने, इवन नॉर्थ इंडिया में या फिर साउथ इंडिया में इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस लोगों में नहीं है कि उन जो इरोम शर्मिला, इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया 16 साल तक, क्यों व्रत रखा, और
देखिए अब इनको कंपेयर कर सकते हैं अन्ना हजारे और शर्मिला के प्रोटेस्ट को। 2011 में जब अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा कैसे जनता रोड्स पर निकल के आई और मीडिया में कैसी कॉन्शियसनेस थी और कैसे इतना ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट पर बढ़ा कि उन्होंने घुटनी टेक दी और जो लोकपाल बिल था उसको लाना पड़ा। वो बात अलग है, आज तक वो लोकपाल कभी भी उन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया नहीं है। लेकिन अब देखिए उस 12 दिन के अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट को देख लीजिए और अब देख लीजिए 16 साल के प्रोटेस्ट को देख लीजिए, या फिर 2011 में वो जो इनका प्रोटेस्ट था वो 10 साल का हो गया था। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट को नेशनल इमेजिनेशन ने बहुत अच्छे ढंग से लिया, लेकिन शर्मिला के प्रोटेस्ट को आज तक किसी से भी एक्नोलेजमेंट नहीं मिली, ना स्टेट से ना लोगों से। क्यों? क्योंकि एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ में हमारे नेशनल इमेजिनेशन में, और ये यू कैन सी दैट इट वॉज ए फेल्ड अटेम्प्ट टू चेंज द पॉलिटिकल कंडीशन और मार्जिनलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल। जो ओसपा और जो हमारी ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इन्होंने 60 साल तक एक साथ जो रहे हैं, यानी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है ओसपा भी है, 60 साल तक दोनों ने को एग्जिस्ट किया है। तो यही सबसे बड़ा आयरनी, और यू कैन सी दैट हाउ कैन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैन वर्क व्हेन ओसपा इज देयर, 60 सालों से वो वहां पर है, तो ये अपने आप में एक आयरनी है। सबसे पहले ये ओसपा आया क्यों था वहां पर? नागास की डिमांड थी, उन्होंने कहा था कि हम अलग नेशन है, इंडिया से अलग नेशन है, हम वी आर ए डिस्टिंक्ट नेशन, और गवर्नमेंट ने ना तो कभी उसे इग्नोर किया ना एक्नोलेज किया। और आगे देखिए कुछ खास है नहीं इस आर्टिकल में, कुछ खास इंपॉर्टेंट काफ़ी, मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ है नहीं जिसे हम अपने आंसर या फिर ऐसे में इस्तेमाल किए कर सकें। मेन प्रॉब्लम यही है, उस वक्त की प्रॉब्लम है वहाँ पर, और कभी वो बाद में ओसपा पे आएगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इसे। अगला आर्टिकल है हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी पर। एनडीए क्यों सत्ता में आई? एनडीए सत्ता पे आई थी गुड गवर्नेंस के नारे पर, और काफी सेक्टर्स में दे आर मेकिंग द एफर्ट्स टू ब्रिंग द गुड गवर्नेंस, बट इफ यू कंसीडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दे हैव रिट्रैक्टेड फ्रॉम देयर स्लोगन। व्हाई? देयर आर वेरियस आर्ग्यूमेंट्स कैन बी गिवन फॉर दिस। देखिए अब जो उन्होंने कमिटमेंट जाहिर की थी कि हम यू कैन सी दैट डेडिकेटेड हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, और लेकिन फिलहाल उनके जो एक्ट्स हैं, देयर एक्ट्स आर शोइंग दैट दे आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड लेस टुवर्ड्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी हैज बीन जियोपोलिटाइज्ड। इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, एंड कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिससे ये सीध होता है कि दे आर नॉट फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एक नेशनल रेगुलेटर को अपॉइंट किया जाए, जो क्या करेगा, वो नेशनल रेगुलेटर इन्फोर्स करेगा एनवायरमेंटल कंडीशंस को और पेनल्टीज यानी फाइन वगैरह इम्पोज करेगा। लेकिन अब जो ये है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, वो एक वर्चुअल प्रोजेक्ट क्लियरिंग हाउस की तरह काम कर रहा है, कुछ भी इसमें एक्टिविज्म देखने को नहीं मिल रहा है, इवन यू कैन सी दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। अब मार्च 2015 में उन्होंने एक ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्टार्ट किया, और इसमें इसके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाए तो रिजेक्शन या फिर रिजेक्ट वर्ड कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात आती है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आपने प्रीलिम में पढ़ा हुआ, इसमें 47 मेंबर्स होते हैं और पीएम द्वारा चेयर्ड होता है ये, और काम क्या होता है इसको, इसका काम होता है वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्टिव एरियाज को बचाना, यानी ये सारा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। अब एक दूसरी चीज है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक 10 मेंबर्स की स्टैंडिंग कमेटी बना सकता है जो कि चेयर होगी एनवायरमेंटल मिनिस्टर के द्वारा, यानी आप समझने की कोशिश कीजिए, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये कमेटी बना सकता है, स्टैंडिंग कमेटी 10 मेंबर्स की, लेकिन गवर्नमेंट ये कमेटी नहीं बना सकती। बट द आयरनी इज नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ तो अभी तक एक बार भी नहीं मिला है, और जो ये स्टैंडिंग कमेटी है बन भी गई और 8 बार मिल भी लिया इसने और काफी डिसीजंस भी ले लिए, यानी प्रोजेक्ट्स को क्लियर भी कर दिया। तो इसी से पता लगता है कि ये एक्ट काफी डाइल्यूट किया जा रहा है। आवर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज वेरी लाइक नॉट सीरियस और यू कैन सी दैट बायस्ड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट्स कंजर्वेशन एंड दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। There is a reason for this. Let me give you some clarification or context for this. Last time जब UPA government थी उन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप ये लगे थे कि उन्होंने काफ़ी environment के बेस पर काफ़ी ज़्यादा यानी development रुक गई है, और industries की ये शिकायत थी कि projects आगे नहीं बढ़ते। तो जब ये हमारी नई government सत्ता में आई तो उन्होंने पहला काम यही किया
यानी इन्वायरमेंट बैकडोर पे, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट है वो फ्रंट डोर पर। और जो अब हमारे सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, उन्होंने एक स्टडी की कि स्टैंडिंग कमेटी ने कितने प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं और कितने रिजेक्ट किए हैं। उनकी रिसर्च के अनुसार अभी तक स्टैंडिंग कमेटी ने 301 प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं, 105 प्रोजेक्ट्स को डेफर किया है और रिजेक्ट किए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोजेक्ट। और ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रोटेक्टेड एरियाज और या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज के इन एंड अराउंड, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए। अब रिजेक्शन रेशियो कितनी है? रिजेक्शन रेशियो है सिर्फ 1.29%। सो कांट वी से दैट नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्ट क्लियरिंग हाउस। और ये उन्होंने ये भी इग्नोर कर दिया है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे देश का सिर्फ 5% एरिया है, फिर भी आप सारे प्रोजेक्ट्स को क्लेरिफिकेशन और यू कैन सी दैट उनको क्लियरेंस दे रहे हो, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये साफ साफ मेंशन है कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया जाए और उन्हीं प्रोजेक्ट्स को फॉरेस्ट लैंड को अदर पर्पसेस के लिए डाइवर्ट किया जाए जिसमें वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट या फिर यूजफुल हो। लेकिन अभी तक इतना ज्यादा लैंड डाइवर्ट कर दिया गया है दूसरे पर्पसेस के लिए, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर दिया गया है, उसमें कहीं भी ऐसा प्रूफ निकल कर नहीं आ रहा है कि वो वाइल्ड लाइफ के लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा और भी, ये तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था, और इसके अलावा और भी इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री अपने लाज को डाइल्यूट करती जा रही है। कैसे? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल्स के प्रपोजल पर उन्होंने अपनी गाइडलाइंस को डाइल्यूट कर दिया है। वहां पर उन्होंने मिनरल्स को एक्सप्लोर करना था। क्या गाइडलाइंस थी वो? गाइडलाइंस ये थी कि जो हमारा जो कंपल्सरी एफोरेस्टेशन एंड पेमेंट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यूज ये था, उनको डाइल्यूट कर दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा था कि ये जो मिनरल्स के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ टेम्परेरी है और ये परमानेंट नहीं है, इसलिए कैंपा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉरेस्ट लैंड में कैंपा की जो एग्जम्पशन है वो अभी तक दी जाती थी सिर्फ में 220 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइंस को, लेकिन अब इस एग्जम्पशन को बढ़ाकर ऑल हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन को भी दे दिया गया है। तो इससे क्या, इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा कौन से डाइल्यूट कर दिए गए हैं, बस ये इतने ज्यादा डेटा याद नहीं रहता, लेकिन थोड़ा कुछ भी याद रह जाए, एक दो पॉइंट भी याद रह जाए तो फायदा ही है, सुनने से याद हो जाता है। एटलीस्ट आप अगर लिखिए मत, नोट्स में मत लिखिए, तो सुनने से अब आपको याद हो जाएगा। और वो किस तरह से, अब यू कैन सी दैट इस तरह के डाइल्यूशन और ये फास्ट ट्रैक जो मैकेनिज्म इस मिनिस्ट्री ने अपनाया गया है उससे 50,000 हेक्टेयर अभी तक जो लैंड है वो दूसरे पर्पजेस के लिए डाइवर्ट हो जाएगा। और इसमें से माइनिंग अलोन कंट्रीब्यूट्स 30%, और ये 50 सालों तक यानी अब इसके अंदर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनरल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। अब ऐसा लगता है इन सारी चीजों से, जैसे मैंने बताया कि अभी जो देखिए इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री का जो काम होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इनका काम होता है कि बैलेंस स्थापित करना, जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन का, बैलेंस स्थापित करना डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के बीच में। लेकिन जैसे फिलहाल मिनिस्ट्री काम कर रही है उसी से तो यही पता लग रहा है कि वो अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही प्रमोट कर रही है, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ड्यूटी है जो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को बनाने के लिए और सिक्योर करने के लिए, उसको इग्नोर कर रही है। अब इस मिनिस्ट्री को चाहिए कि कैंपा को छोड़ के, देखिए कैंपा में क्या होता है, कैंपा में होता है कि अगर आप लैंड डाइवर्ट कर रहे हो तो आपको उतना ही दूसरा लैंड पे फॉरेस्ट और ये पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे। लेकिन क्या उस ऐसे जो कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से पेड़ पौधे उगाए गए हैं क्या उसकी वैल्यू है? उसमें वाइल्ड लाइफ कहाँ से लाओगे? जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कहाँ से लाओगे? उसमें उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो मिनिस्ट्री को छोड़ना, ये कैंपा को छोड़ के नॉलेज ड्रिवन प्लान पे काम करना चाहिए जो कंपिटिटिंग डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और लास्ट में कंक्लूजन है इस आर्टिकल का, हमारे प्रधानमंत्री ने टाइगर जो कन्वेंशन हुई थी अभी इसी साल, उनमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो कंजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, इवन कंजर्वेशन से ही हम डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। तो इस सरकार को चाहिए कि सिर्फ ये बातें ही नहीं, अब उन चीज़ों पर भी ध्यान फोकस करना चाहिए उन्हें जिन्हें सही में डेवलपमेंट आ सके। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।